जौनपुर जिले के मणियाहू तहसील के रामपुर विकास खंड के अंतर्गत आशानंदपुर ग्राम सभा में विगत दिनों में कुछ वर्ग के ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर लगाया गबन का आरोप। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम सभा में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, पूर्व में हुए कार्यों को दिखाकर भुगतान निकाला गया है। इस संबंध में ग्रामीण विजय शंकर सिंह ने बताया था कि राम जानकी मंदिर में इंडिया मार्क का हैंडपंप रीबोर के नाम पर दो बार धर का निकासी किया जा चुका है, किंतु एक बार भी यहां पर बोरिंग का काम नहीं हुआ है। सड़क पहले से ही बनी है और जो शौचालय ग्रामीणों ने अपने पैसे से बनवाया है उसे दिखाकर पैसा ड्रॉ कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी जौनपुर, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। गाँव के शुभम सिंह जो की व्यवसायी है, उन्होंने बताया था कि ग्राम प्रधान अपने लोगों को ही चिन्हित करके उनको आवास दिए हैं और जरूरतमंद को आवास नहीं दिए हैं। इंटरलॉकिंग के संबंध में पूछे जाने पर मन्नू यादव ने बताया था कि यह इंटरलॉकिंग यह मंत्री के सहयोग से लगा हुआ है। ग्रामीण महिला प्रावर्ती ने अपना घर दिखाकर कहा कि हमारा घर गिरा हुआ है और हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा गांव के मनभावती देवी, शकुंतला देवी, अनेक महिलाओं ने बताया कि हम लोग को कोई भी सुविधा नहीं मिली है, गाँव में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। राम जानकी मंदिर का जो है रीबोरिंग का पैसा निकाला हुआ है दो बार, एक बार भी काम नहीं हुआ है। इसका संख्या नंबर है 4269-2769। ये संख्या नंबर से पैसा निकाला गया है, एक बार भी बोरिंग नहीं हुआ है और रोड बना दिया गया है। रोड जो पहले का बना हुआ है उसी पे पैसा निकाला गया है। आपके ग्राम पंचायत में शौचालय का निर्माण हुआ है? एक भी नहीं हुआ है। जो हम लोग अपने पैसे से बनाए हैं उसको दिखा के वो पैसा निकाला गया है। मतलब आपके बनाए हुए शौचालय पे पैसा निकाला गया है और आपने वो अपनी खुद की पैसे से शौचालय को बनाया है। ये बताइए कि मैं बगल में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राम पंचायत का तालाब है, तो इस तालाब के सुंदरीकरण के बारे में क्या जानकारी? कुछ नहीं। यहाँ पे हम कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं, साफ सफाई छोड़ दीजिए, सुंदरीकरण माने नाम का खाली है। सुंदरीकरण हो गया है, इसका भी पैसा हो सकता है निकल गया हो, हमको नहीं मालूम, लेकिन इसका कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये तालाब है, एक पीछे में तालाब है, एक भी % काम नहीं हुआ है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? ये जन सुनवाई पोर्टल पे किए हैं, DM साहब के यहाँ भेजे हैं, मुख्यमंत्री को भेजे हैं, उसके बाद जो है आपको PM ऑफिस भेजे हैं, गृह मंत्रालय भेजे, हर जगह भेजे हैं, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। जब आपने शिकायत दर्ज कराई थी तो आपको आख्या आया होगा, रिप्लाई आया होगा, तो क्या आया? आख्या में यही बता दे रहे हैं कि आपका ये पूर्ण रूप से ये कौन सा धारा है, 2-3 धारा बता दे रहे हैं, इस धारा के तहत नहीं किए हैं इसलिए आपका सुनवाई नहीं हो रहा। आख्या दिखा दे रहे हैं बार बार और कोर्ट बंद होने के नाते हम लोग कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप तिवारी। आप इसी गांव के हैं? तो ये बताइए कि आपके गांव में जो अभी भाई साहब बता रहे थे इस तरीके की समस्याएं, ये समस्याएं किस हद तक हैं, कहां पे किस तरीके की समस्याएं हैं? वो क्या है भैया, मैं यहाँ पे महाराज है, महाराज हैं हम यहाँ पे ज्यादा दिन। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं जी? हम लोग रखते हैं। आपका नाम भाई साहब? हमारा नाम शुभम सिंह है। आप भी इसी गाँव से हैं जी? पढ़ाई लिखाई की है, बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं जी? बताइए कि आपके गांव की क्या समस्या है? जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि लगभग करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है, बने हुए काम पे भी काम दिखाया जा रहा है और जो असली काम है वो किया नहीं जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो बहुत कुछ कहना रहेगा। क्या है कि इसमें जो रोड बन रहा है, सब रोड का पैसा, सब गवर्नमेंट, सरकार सब पैसा दे रही है, नहीं है, लेकिन इसका जाँच करवाए, इसका जाँच देखे। एक ही गाँव की समस्या नहीं, बस हर एक गाँव की समस्या है ये। अब कहीं नाली का, रोड का जो भी पैसा हुआ है, पास हुआ है, सब मतलब विधायक या कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं या तभी नाली रोड या सब कुछ हो रहा है। फिलहाल आप अपने गांव का बताइए। हमारे गांव की तो बहुत समस्या है, संडा से लेकर घर के आवास आवास, जिसको जान रहे हैं बस, जो पहचान वाले जिसका उनका वोट फिक्स है बस, उन्हीं को आवास, उन्हीं को संडास बस, उसके बाद और किसी का काम नहीं। और एक नंबर का प्रधान का प्रधान है कौन? प्रभात तिवारी, मतलब मान लीजिए प्रभात तिवारी की वाइफ हैं, प्रधान थी उनके, मतलब क्या कहा जाता है कि उनका है क्या? वो प्रधान रह चुके हैं, सब दलाली करना, सबको फंसाना फालतू में, और सबके घर पे पुलिस भिजवा के डराना, ये सब क्या है? और थाने पे उनका नाम लिखा हुआ है, आखिर ये क्या क्या है, सिस्टम ये क्या है? जब से गेट बना हुआ है प्रभात तिवारी नाम। आपने इसके बारे में शिकायत की? शिकायत हुआ है, सब कंप्लेन हुआ है, पहले तो उसकी जाँच होनी चाहिए ना। प्रधान बन के दबदबा बनाया है, किसको आगे नहीं जाने दे रहा है जी। धन्यवाद। आपका नाम? अन्नू यादव। अन्नू यादव जी, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल। आपके गांव की जो समस्याएं हैं? बस सेम भैया, सड़क में देख पा रहा हूं जो इंटरलॉकिंग बनी हुई है,
ये सड़क आपके किस प्रधान ने बनाया है और इस सड़क पे कितनी बार पैसे पास हुए? नहीं, ये प्रधान द्वारा नहीं बनी, अभी वो मंत्री जी थे मोती सिंह, उनके कर कमलों द्वारा बनी है और ये इसे पैसा वैसा पास हुआ है। आ रहे थे तभी इसीलिए ये मोती सिंह जी के कर कमलों के द्वारा ये सड़क बनी हुई है, वरना इसके अलावा कोई सड़क आपके गांव में नहीं? दो चार के इंटरलॉकिंग बनी है, जिस आप समझ लीजिए कि 2015 से लेकर 20 तक 2-4% काम हुआ है, बाकी पैसा सब गमन हो गया। जैसे बता रहे रीबोरिंग वगैरह का बार बार निकाले पैसा, और जा देख के वोट बैलेंस देख के लाइटिंग देना, आवाज़ देना, और हमें कौन वोट दिया है नहीं दिया है उस हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई काम हुआ नहीं है। जी धन्यवाद। आपका नाम? पार्वती। पार्वती जी ये बताइए कि आपके ग्राम पंचायत आसानंदपुर में आपको क्या सरकारी सुविधाएं मिली हैं? कुछ नहीं मिला बा, हमारा सबका टूटा घर बा, हम सोते मरत है पानी था में गिरी है पानी में, हमें सबके का प्रधान दिए कुछ नहीं दिए हैं। तो आपके ग्राम प्रधान ने आपको सरकारी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं दिलाया? कुछ नहीं दिए हैं, न प्रधान न आवास दिए हैं, न संडास दिए हैं, न हमें सबके कुछ दिए हैं, हमें सबके इतनी गरीबी बा कि माँ सबका घर दुआर कुल गिरा बाटे। ये घर आपका ही है? ये हमारा घर है। तो ये तो पूरी तरीके से टूटा हुआ है? हाँ, मार घर देख ला कुल एकदम टूटा हुआ, गिरा भी मार घर बा, वह उजार के देखवा कौने रंगन से धरत है कि भगवान जाने, गरीब मनाई है कर्जा काढ़ के धरत है। चाची आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनभावती है। आपको कोई सुविधा मिली है सरकारी? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। आपको सरकारी आवास या कोई चीज? कुछ नहीं मिला है, सरकारी आवास कुछ नहीं मिला है। सुलभ शौचालय? कुछ नहीं मिला है। इस समय कोरोना में आपके गांव में सैनिटाइजेशन कराया गया था? हाँ, नहीं कराया गया था। सैनिटाइजेशन यानी कि दवा का छिड़काव कोरोना के समय नहीं कराया गया था? कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को मास्क उसको दिया गया है? नहीं, कोई नहीं दिया, प्रधान नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया है। चाची आपका नाम? शकुंतला। चाची ये बताइए कि इस समय इतनी बड़ी महामारी वगैरह है, तो प्रधान जी आपके यहाँ पे कभी साफ सफाई वगैरह के लिए कोई सामान, सैनिटाइजेशन? कभी नहीं सर, कभी नहीं। कोई भी चीज नहीं दिलवाए? अच्छा, आपको कोई सुलभ शौचालय, सरकारी शौचालय या कोई व्यवस्था आपको मिली है? कुछ नहीं। जी धन्यवाद। चाची आपका नाम क्या है? दुलारी देवी। चाची ये बताइए कि आपको अभी तक कोई भी सरकारी सुविधा जैसे सरकारी शौचालय या आवास या ये सारी व्यवस्था आपको मिली? कुछ नहीं मिली। अच्छा, राशन वितरण कराती है सरकार, तो क्या आपको राशन समय पे मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। राशन मिलता है, लेकिन बाकी काम जो प्रधान के होता है उससे नहीं, वो नहीं हो पा रहा है। यानी कोटेदार से आपको कोई समस्या नहीं, आपको समस्या प्रधान से है कि वो इसकी जांच हो कि उन्होंने जो कार्य के नाम पे पैसे लिए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, राशन मिलता है, महीना महीना बराबर मिलता है राशन। और बाकी प्रधान के कार्य यहाँ पे अच्छे हैं? कुछ नहीं अच्छा है, कुछ मिलता ही नहीं है। आपका नाम क्या है चाची? प्रभावती। ये बताइए कि आप यहीं पे रहती हैं? अच्छा, आपका मकान ये बगल में है। आपका भी मकान काफी खराब स्थिति में, तो आपने सरकारी आवास के लिए नहीं? कुछ ना कुछ, हमारा सास लंगर फिंगर वहीं रहत है, लंगर फिंगर है। नहीं। अच्छा, आपके गांव में जो सरकारी आवास किसी को मिला है कि नहीं मिला? आप जब आवास मांगने जाते हैं प्रधान जी से, तो आपसे क्या कहते हैं? आ जाए काला बस है, और लिख के ले गया है प्रधान जी, कुछ कुछ दिए नहीं, संडास के ईटा लिख के ले गया है, बाकी हमें प्रधान कुछ नहीं दिए। आपसे लिख के ले? हाँ, लिख के ले गया है, आधार कार्ड ले गया है, औथा ले गया है, बाकी हमें कुछ नहीं, दूसरे के दे दिए हैं हमारे। दूसरों को मिला है? किसको मिला है आपके गाँव? ले गया है, अरे नवाने दिए हैं, पवन सगरों ले जाके दिए हैं, वकील हमें सबके नहीं दिए हैं। जिनको आवास मिला है क्या उनके पास पहले से पक्का मकान था? हाँ रहा। मतलब जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास रहने की सुविधा है, उन्हें सरकारी आवास मिला है, और जिनके पास कोई सुविधा नहीं है उन्हें आवास नहीं मिला है। धन्यवाद। इस संदर्भ में मीडिया की जॉइंट टीम जब गांव में दोबारा जांच के लिए पहुंची, तो उन्होंने पता किया कि चुनावी रंजिश के तहत हार का कसर निकालने के लिए मीडिया को वर्ग को केवल गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस शौचालय के संबंध में शिकायत की बात की जा रही है, वह शौचालय पूर्व प्रधान सीता तिवारी का उससे कोई भी संबंध नहीं है। आपको बता दें कि उक्त शौचालय पूर्व प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह के
कार्यकाल 2005-10 में बना हुआ था। पूर्व प्रधान सीता तिवारी के कार्यकाल में नया शौचालय गांव के हनुमान मंदिर के पास बना हुआ है, जिसका उपयोग सभी ग्रामवासी करते हैं। आपको बता दें कि गांव का चौतरफा विकास हुआ है, करीब 110 आवास का निर्माण हुआ है, लगभग हर पात्र हर समुदाय के लोगों को शौचालय मिला है। गाँव में इंटरलॉकिंग का भी कार्य किया गया है। आपको बताते चले कि ग्रामीण से बात करने पर लगभग सभी वर्ग के ग्रामीण ने पूर्व प्रधान सीता तिवारी के कार्यों की बहुत ही तारीफ की है। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानपति मोहम्मद आलमगीर ने बताया कि पूर्व प्रधान का कार्यकाल पूर्ण रूप से बहुत ही संतोषजनक रहा है, सभी ग्रामीण उनके कार्यों से बहुत ही खुश है। कुछ लोग राजनीतिक द्वेष का बस इल्जाम लगा रहे हैं, इसमें ज्यादातर इनके विपक्षी हैं जो कि लगभग कई सालों से हार का सामना करते आए हैं, उसी चुनावी रंजिश के खातिर उन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है। आसनंदपुर ग्राम सभा से हमारे संवाददाता कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बिलाल। कौन सा ग्राम सभा है आपका? ये जो मकान बनवाया है आपने अपने पैसे से बनवाया है कि आपके ग्राम के प्रधान बनवाए? कौन से प्रधान ने? अच्छा, जो पूर्व प्रधान अभी थे। तो ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि आवास ववास कुछ नहीं बनवाए हैं, प्रधान जो है कुछ काम किए नहीं है, खाली फ्रॉडगिरी किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब गलत है। गलत है? कितने आवास बनवाए होंगे लगभग आप लोगों के बीच में? 110। अच्छा, 110 आवास बनवाए हैं, मतलब आपके यहाँ वो जो है काम कराए हैं? काम कराए हैं, बताइए। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र तिवारी। कौन सा ग्राम सभा है? आसनंदपुर। सर, ये जो आपके पूर्व प्रधानपति हैं प्रभात तिवारी जी, इनके ऊपर आपके ग्रामवासियों ने ये आरोप लगाया कि कुछ काम नहीं किए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसे निराधार है, क्योंकि इनके काम के करने की क्षमता से ही लोगों में जलन सी पैदा हो गई है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि कई सालों के बाद में ऐसे कार्य हुए हैं जो कि गरीबों को आवास, आपके इंटरलॉकिंग की व्यवस्था जो थी, जहाँ 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 ज़रूरत थी वो सब भी किए, सामुदायिक शौचालय, नल, मतलब जो भी कार्य हो सकते थे इन्होंने कराए हैं। और हर गांव में हर जगह में पक्ष विपक्ष दो होते ही हैं, तो ये सब निराधार है। जो विपक्षी हैं घबराए हुए हैं इनके कार्य से, और इसीलिए ऐसी बातें सब हो रही हैं। मतलब ये जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है ये झूठ है? ये सब झूठ है, बिल्कुल निराधार है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप किसी भी समुदाय में आप जा करके ग्राम सभा के पूछ लीजिए, सब संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो शौचालय यहाँ बना हुआ है, हाँ हाँ, तो ये शौचालय नियमित आप लोग के लिए उपलब्ध रहता है? हाँ हाँ, ये चालू है? चालू है, चालू है, ये सारे ग्रामवासी यूज करते हैं? हाँ, जिसके यहाँ नहीं है वो आकर के अपना यूज करते हैं, जिसके घर पे है तो उसको ही बात है, कोई ऐसा घर है ही नहीं है जहाँ पे कि ऐसी कोई समस्या हो। अच्छा, शौचालय सभी के घर बना हुआ है। क्या नाम बताए सर अपना आप? महेंद्र तिवारी। कौन सा ग्राम सभा है आपका? थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है चाची आपका? सहीदा। आपके पति क्या नाम है? बिलाल। बिलाल। अच्छा, ये कौन सा ग्राम सभा है आपका? आसनंदपुर। अच्छा, ये जो मकान बना है ये आवास है कि कुछ और है? अपने पैसे से आपने बनवाया है? नहीं नहीं, किसने बनवाया ये? प्रभात तिवारी। क्या है प्रभात तिवारी, क्या थे यहाँ पे? प्रधान। अच्छा, प्रधान थे? हाँ। ये प्रधान ने आपका आवास बनवाया है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कितने आवास बने हैं लगभग? 110। अच्छा, 110 आवास यहाँ पे बने हैं। तो आप जो पूर्व प्रधान थे उनके कार्यों से आप खुश थे? हाँ हाँ, खुश थे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हमीद है साहब। ये कौन सा ग्राम पंचायत? ये आसनंदपुर ग्राम सभा है साहब। आप ये जो जिस मकान के सामने खड़े हैं, ये मकान आपने बनवाया है या आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? हमारा साहब ये मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, हमारे प्रधान प्रभात तिवारी ने बनवाया है। प्रभात तिवारी जी ने आपका ये मकान पास करवाया है। आपके पूर्व प्रधान प्रभात तिवारी पे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, समाचार चैनलों में वीडियो चल रहा है, आपके गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि उन्होंने कार्य नहीं कराया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? साहब, सब ये बात सब गलत है, उनके विरोधी हो गए, उनके खिलाफत वाले हो गए, और कोई काम ऐसा क्या लगता है आपको, ये काम क्यों ऐसे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? साहब, हर कास्ट में ऐसे होते हैं,
अच्छा, ये एक बात हमने सुना है कि यहाँ पे जो प्रभात तिवारी जी ने किसी जात को नहीं महत्व दिया, सिर्फ व्यक्ति को महत्व दिया, सबके लिए उन्होंने विकास का कार्य किया, इसके लिए आपका क्या कहना है? साहब, जो काम वो विकास भी किए हैं अपने सोच से, बहुत हमारे समझ से बहुत अच्छा किए हैं। लगभग कितने वर्षों में ये सारे कार्य हुए हैं? साहब, हम तो ये जानते नहीं थे आवास कैसा होता है। 60 वर्षों से मैं ये प्रधानी में जाना कि हमारे प्रभात तिवारी ने जो जो काम करके दिखा दिया, हम गरीबों के लिए, हम लोग को रहने की छाया नहीं था, एक आवास नहीं 110 आवास हमारे ग्राम सभा में पास कराए और जगह जगह पर रोड बनवाए, जगह जगह पर आपको यकीन न हो चलकर हम दिखा दें, नई बस्ती बिहरा और तुलसीपुर और अपने ग्राम सभा आशानंदपुर में चल के दिखा दे, सब रोड बने हुए हैं और लोग विरोध कर रहे हैं, तो फालतू विरोध कर रहे हैं उनका। इंटरलॉकिंग वगैरह भी बना है? हाँ साहब, बना हुआ है। तो मिला जुला के आप प्रभात तिवारी के कार्यों से संतुष्ट? बहुत संतुष्ट है साहब, वो तो गरीबों के दाता हैं, वो साहब हम गरीबों के लिए शादी विवाह में अपना बहुत अच्छा योगदान अदा करते हैं। वर्तमान में वो प्रधान नहीं है तो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा? साहब, उनके व्यवहार से हम लोग एकदम संतुष्ट हैं जी। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? राजीव राम तिवारी। कौन सा ग्राम सभा है? सर, कुछ लोगों ने आपके ग्राम प्रधान जो पूर्व प्रधान हैं प्रभात तिवारी जी, प्रधानपति हैं, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने कोई आवास नहीं बनवाया है, खड़ंजा काम कराया आधा अधूरा कराया है, इंटरलॉकिंग आधा अधूरा कराया है, शौचालय नहीं लगवाया है, और ये सामुदायिक शौचालय जबकि जीता जागता प्रमाण है कि वो काम कराए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब जितने इल्ज़ाम हैं सब निराधार हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, संतुष्ट है। अच्छा, जो पूर्व प्रधानपति हैं प्रभात तिवारी जी, वो आपके ग्राम सभा में काम कराए हैं? बिल्कुल कराए हैं। तो क्या कार्य कराए हैं जिससे आपको जानकारी हो? जो ग्राम सभा में कार्य है, सड़क का है और ये शौचालय है, आवास है, यही सब है। क्या कारण है सर कि लोग उनके ऊपर ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं कराया है? भाई देखिए, आवाम है, इसके विचारों को एक मत नहीं किया जा सकता। हर जगह कुछ न कुछ अरे लोग ऐसे होते हैं, तो हो सकता है भाई कि ये झूठा पूरा रे अपना प्लानिंग बना करके ऐसा किए हो। आपका नाम? राजस्थान तिवारी। कौन सा ग्राम सभा है सर? आशानंदपुर। ठीक, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। इस समय आप वर्तमान पे किस पद पे हैं? मैं प्रधानपति हूँ आशानंद ग्राम सभा। अच्छा, आशानंद ग्राम सभा के आप प्रधानपति हैं जी। सर, आपके ही गांव के कुछ लोगों ने जो पूर्व प्रधानपति हैं प्रभात तिवारी जी के ऊपर जो है आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, सब फर्जी है, न आवास बनवाया है पूरा, न खरंजा लगवाया, न शौचालय, सब आधा अधूरा छोड़ कर पैसा निकाल लिए, क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने इसके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, मेरे मोहल्ले में जितने आवास बने हैं सारे आवास पूरे बन गए हैं। RCC का जो काम मेरे मोहल्ले में हुआ है वो भी पूरा हुआ था, इंटरलॉकिंग का भी कुछ काम हुआ है वो भी पूरा हुआ है। और कुछ बताइए सर, जो काम अगर उन्होंने अधूरा छोड़ा हो या आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं कराया है? नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिल पाया है, कोई काम अधूरा है या कोई काम उन्होंने छोड़ रखा है। अच्छा, सारे काम कराए हैं? जी जी जी। तो जो इनके ऊपर आरोप लगा है वो सब झूठे हैं सर? नहीं नहीं, बेबुनियाद, कोई बुनियाद नहीं है आरोप लगाने का, कोई बुनियाद नहीं। व्यक्तिगत रूप से प्रभात तिवारी जी की छवि क्या है आपके गाँव में? सर, व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि अच्छी है भाई, उनके परिवार में, उनके परिवार के झगड़े से मुझसे क्या मतलब है, उनका व्यक्तिगत व्यवहार है वो पूरे मोहल्ले में लोगों से ठीक ठाक है। मतलब सर, पिछले 5 साल जब वो प्रधान रहे उनके कार्यों से आप भी संतुष्ट रहे? हाँ। क्या नाम बताए सर अपना? मोहम्मद आलमगीर। आप प्रधानपति हैं इस ग्राम सभा के? जी जी जी। धन्यवाद। अपना नाम बताते हुए अपना परिचय दीजिए। सर, आपके ऊपर, आपके ग्राम सभा से कुछ लोगों ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने जो भी विकास के कार्य शुरू किए थे सब आधे अधूरे छोड़े हैं, आपका क्या कहना है? हमारे गांव में जितने भी आवास थे सभी पूरे हैं, सभी में सब रहते हैं, पूरा 100%
आप उसको जाके गाँव में सर्वे करके अपने हिसाब से सोच लीजिए। नहीं सर, उनका कहना है कि जो आवास है उसमें आपने कुछ आधे अधूरे काम किए हैं। एक भी अधूरा नहीं है, पूरा है। शौचालय का? शौचालय पूरा। उनका कहना है कि एक शौचालय है जहां पे वर्षों से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, उस पर पैसा निकाला गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो शौचालय पूर्व प्रधान बीएन प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया है। मैं जो शौचालय बनवाया हूँ उस शौचालय आप सामने देख लीजिए, मंदिर के पास बना हुआ है। आपके गांव के प्रभावती देवी ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनको आवास नहीं मिला है जबकि वो आवास की पात्र हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रभावती को आवास की उनका नाम आ गया है और वो कोविड 19 चाहते हैं, अभी तक सरकार पैसा नहीं दी है जिसकी वजह से आवास नहीं था। मतलब सर, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं तो आप अपने हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि सब झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं, आप अपने आप को जो है बेगुनाह मानते हैं, आप ऐसा कार्य नहीं किए हैं? वो तो हमारे कुछ विरोधी हैं, उस वजह से टिंकू यादव था, उसके पिताजी चुनाव लड़े थे, शिवाली की चुनाव लड़ी थी और वहाँ जो और थे उनके घर वाले चुनाव लड़े हैं, सभी हमारे चुनाव के विरोधी हैं और हारे हैं, लगातार हारते हुए आए हैं, इसकी वजह से वो हमारा विरोध करते हैं। चुनावी रंजिश के तहत मीडिया को गुमराह करने का प्रयास किए हैं? हाँ, चुनावी रंजिश का भी मीडिया को गुमराह किया है। अब एक बार फिर से पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पर्चे दे दीजिए। मैं प्रधानमंत्री प्रभात कुमार तिवारी, आपका नाम? धन्यवाद सर।